नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मुर्गासन को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है। दोस्तों मुर्गासन के 3 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों मुर्गासन को एज ए एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस करना चाहिए, एज ए पनिशमेंट मुर्गासन कभी भी स्टूडेंट्स को नहीं देना चाहिए। अगर आपको अपनी फिटनेस को चेक करना हो तो आप सबसे पहले सीधे खड़े होकर अपने दोनों टांगों के अंदर अपने हाथों को डालते हैं और अपने कानों को पकड़ लेते हैं। अगर आप अपने दोनों हाथों से अपने कानों को अच्छी तरह से पकड़ ले रहे हो, इसका मतलब आपकी फुल बॉडी फिटनेस है। अगर आप अपने हाथों से अपने कानों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको मुर्गासन करने की आवश्यकता है। आप मुर्गासन को 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, इसे करने से आपकी फुल बॉडी फिटनेस होती है। आइए देखते हैं कि मुर्गासन को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने टांगों में अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट रख लेते हैं और इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने टांगों के अंदर ऐसे डालते हैं और अपने कानों को ऐसे पकड़ लेते हैं। 10 से 15 सेकंड ऐसे ही आप अपने कानों को पकड़कर रखिए। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे खड़े हो जाइए। दोस्तों मुर्गासन को एज ए एक्सरसाइज हम अपने स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने से बच्चों के चेहरे के चमक में वृद्धि होती है, ब्रेन एक्यूरेसी को बढ़ाने के साथ साथ इससे ऑलराउंड फिटनेस होती है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर आप अपने दोनों हाथों को अपने टांगों के अंदर ऐसे डालते हैं और अपने दोनों कानों को पकड़ लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखिए, 10 से 15 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। मुर्गासन को एज ए एक्सरसाइज जब हम प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने टांगों के अंदर ऐसे डालते हैं और अपने कानों को पकड़ लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखिए, फिर इसके बाद आप इसे वॉकिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आगे को चलेंगे। इसे करने से पैरों की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है और हमारी संपूर्ण फिटनेस होती है। इसे हर वर्ग के व्यक्तियों ने प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। फिर इसके बाद हम सीधे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही आप इसे 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। धन्यवाद।